नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम फोन लाइन कुंडली में। ज्योतिष पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम ऐसे सभी दर्शकों के लिए है जिनके जीवन में किसी न किसी बाधा के चलते प्रगति का रास्ता रुक जाता है। आप कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। मन में हमेशा ये सवाल आता है कि आखिर क्या वजह है। हम आपको बता दें कि सबके पीछे ग्रहों की एक अहम भूमिका होती है। जब ग्रहों का उतार चढ़ाव होता है तो हमारी जिंदगी में भी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन इन ग्रहों से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी। बहुत स्वागत आचार्य जी इस खास कार्यक्रम में आपका। नमस्कार आचार्य जी। हम अक्सर देखते हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अक्सर लोगों को कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। जाहिर सी बात है कि सबके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र एक अहम भूमिका रखते हैं। आज हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बुध ग्रह का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। स्वास्थ्य का ग्रहों से बहुत ही गहरा संबंध होता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों के स्वास्थ्य के भिन्न भिन्न प्रभावों का बहुत ही गहन अध्ययन किया गया है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि बुध ग्रह कैसे हमें प्रभावित करता है और स्वास्थ्य पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बुध ग्रह यदि नकारात्मक रूप से प्रभावी हो तो जातक ठीक से न बोल सकता है न सुन सकता है। जातक के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बुध ग्रह से ही प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कई ऐसे जातक होते हैं जिनके बोलते समय वाणी में रुकावट होती है, हकलाहट जैसी समस्या से परेशान होते हैं। वाणी को इस प्रकार से बुध ग्रह ही प्रभावित करता है। हाथों में कंपन या नीरों से संबंधित रोगों के लिए भी बुध ग्रह को प्रभावी माना गया है। बुध ग्रह दो राशियों के स्वामी ज्योतिष शास्त्र में माने जाते हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। इन दोनों ही राशियों के स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। बुध ग्रह के अधिपति गणेश जी को माना जाता है। बुध ग्रह मिथुन राशि में स्वगृही माने जाते हैं और कन्या राशि में अपनी उच्च की अवस्था में माने जाते हैं। बुध यदि किसी पाप ग्रह से प्रभावी हो तो जातक की शिक्षा होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी जब निर्णय लेने की स्थिति आती है तो उत्तम निर्णय जातक नहीं ले पाता है। बुध ग्रह व्यापार के लिए बहुत ही शुभ और कारक माने जाते हैं। यदि बुध ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ रहा हो तो हर प्रकार से जातक को हानि होती है। तो जाना आपने कि किस तरीके से हमारे जीवन में बुध ग्रह असर डालते हैं। ऐसा नहीं है कि सब नकारात्मक असर देखने को मिलते हैं। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि व्यापार के क्षेत्र में बुध आपको बेहद ही सकारात्मक नतीजे देता है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या आपके सामने आती है। लेकिन छोटे छोटे उपाय जो बताए हैं उनको करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी कोई समस्या, आपका कोई सवाल, तो जरा जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। आपके सवालों का जवाब आचार्य जी आपको देंगे। राकेश जी पहले कॉलर हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी क्या सवाल है आपका? पटेल जी नमस्कार। जी नमस्ते आचार्य जी। मेरी पुत्र की आयु 15 फरवरी 1993 जी, सुबह 7:30 जी झांसी जी। क्या जानना है आपको? मैं उसके नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। ये इनकी जो जन्म कुंडली बन रही है कुंभ लग्न की बन रही है। कुंभ लग्न में लग्न स्थान पर सूर्य बुध की युति बन रही है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सूर्य जब भी कभी शनि की राशि में स्थित होते हैं तो इनके प्रभाव में नकारात्मकता आती है। शनि इनकी लग्न के स्वामी है और लग्नेश होकर के द्वादश स्थान पर मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में विद्यमान है। यदि लग्नेश छठे आठवें या द्वादश स्थान पर विराजमान हो तो इससे स्वास्थ्य में जातक को असुविधा होती है। आपका जो प्रश्न है, इनकी आजीविका, इनकी आर्थिक स्थिति, कार्य क्षेत्र और इनके निजी जीवन से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। वर्तमान समय में शुक्र में चंद्रमा की दशांतर दशा चल रही है। 21 जुलाई 2018 के बाद से इनकी जो जन्म पत्री है ये इनको शुभ परिणाम देने ही वाली है।
कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय भी बुध ग्रह है और इनकी जन्म कुंडली में पंचमेश होकर के बुध लग्न स्थान पर अपने परम मित्र के घर में विराजमान है। इनको एक पन्ना नाम का रत्न धारण करना चाहिए और एक उपिल नाम का रत्न धारण करना चाहिए। शुक्र इनकी जन्म पत्री में भाग्य भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में मीन राशि में अपनी उच्च की अवस्था में विराजमान है। हर प्रकार से कर्म छत्र से कार्य छत्र से इनको भविष्य में लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। ये जो समय अवधि मैंने बताई है 21 जुलाई 2018 तक आपको थोड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनसे कहिए गणेश जी की नियमित रूप से आराधना करें, क्योंकि पंचमेश का लग्न स्थान पर बैठना एक प्रकार का भारतीय वैदिक ज्योतिष में राजयोग माना जाता है। इनसे कहिए कि प्रत्येक बुधवार को दुर्वा की माला गणपति को अर्पित करें, इनको बहुत ही शुभ परिणाम इसका मिलेगा। जी राकेश जी, तो जाना आपने छोटे छोटे से उपाय हैं, करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। गणेश जी की आराधना कराइए बेटे से, सकारात्मक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। अगली कॉलर दीपा जी हमारे साथ जुड़ी है, क्या सवाल है दीपा जी आपका? जी मैं फैजाबाद से बोल रही हूँ। जी मेरा नाम गीता है। जी मेरे पुत्र की समस्या ये है कि उसकी शादी जो है वो 2012 में जनवरी में हुई थी। जी और उसके बाद उसकी बहू को बड़ी प्रॉब्लम थी, बच्चे बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत इलाज कराया हम लोगों ने, फिर वो मायके चली गई, वहाँ उसको बच्चा हुआ 2016 में नवम्बर में 10 तारीख को। अब उसके पिताजी कह रहे हैं ये बच्चा मेरा है, ना मैं बच्चे को भेजूंगा दूंगा तुम लोग को और ना मैं। गीता जी अपने बेटे की जन्म तिथि बताइए, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी 28 दिसंबर जी 1964 जी मद्रास, तो इस समय चेन्नई बोलते हैं, पहले मद्रास था वो। जी जन्म जी, का समय क्या है? जी 8:26 पर सुबह 8:26 जी। ठीक है, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, इनकी जो जन्म कुंडली है मकर लग्न की बनती है। इनकी कुंडली में राहु पंचम भाव में, जो कि संतान का भाव होता है, जो कि प्रणय सुख का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का सुख पंचम भाव से देखते हैं और संतान का सुख भी पंचम भाव से देखते हैं। वैवाहिक जीवन के संदर्भ में पंचम भाव और सप्तम भाव को बहुत ही विशिष्ट दृष्टि से देखा जाता है। इनकी जो जन्म कुंडली है इसमें चंद्रमा दशम स्थान पर तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में विद्यमान है। लग्न कुंडली के अनुसार पूर्ण रूपेण ये मांगलिक है। मंगल इनकी जन्म पत्री में सिंह राशि में लग्न से ठीक अष्टम स्थान पर। सूर्य इनकी जन्म कुंडली में द्वादश स्थान पर धनु राशि में मूल नक्षत्र में विद्यमान है। एक बात मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो ग्रही स्थितियाँ हैं इनकी कुंडली में, इनका निजी जीवन राहु के प्रभाव के कारण प्रभावित है। राहु इनको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा उपाय इनसे करवाइए, इनसे कहिए कि प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का प्रतिदिन ये पाठ करें। दूसरी एक बात कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं तो इसमें तत्काल कोई समाधान मुझे स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। 21 जुलाई सन 2019 के बाद से प्रणय सुख से संबंधित, संतान के सुख से संबंधित इनकी जन्म कुंडली के अनुसार मार्ग जरूर प्रशस्त होगा। ये कहना उचित नहीं है क्योंकि कुटुंब स्थान पर शनि विराजमान हैं और शनि विरक्त करते हैं, शनि इंसान को अकेला बनाते हैं। पारिवारिक संदर्भों में इनको विरोध झेलना पड़ सकता है, कानूनी सहायता लेनी पड़ सकती है, क्योंकि शनि को न्यायिक और विधिक व्यवस्था में भी कारक ग्रह कहते हैं। शनि इनकी जन्म कुंडली में इनको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इनसे कहिए प्रत्येक शनिवार को सायंकाल सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करें। लग्नेश और धनेश होकर के शनि इनकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में सतभिषा नक्षत्र में विद्यमान है।
कुछ रत्न भी मैं इनको बताना चाहता हूँ, ताकि इनको संतान का सुख भी मिले और निजी जीवन में वैवाहिक सुख भी मिले। इनसे कहिए कि ये एक नीली नाम का रत्न धारण करें, इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जी। अगली कॉलर करुणा है, दरभंगा से हमारे साथ जुड़ी है। करुणा जी, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी का जन्म है 3 अगस्त 1998 जी। 3 अगस्त 1998 जन्म का समय और स्थान भी बताइए। 7:37 शाम को जी। स्थान क्या है इनके जन्म का? दरभंगा। क्या जानना है आपको? प्रणाम गुरु जी, प्रसन्न रहिए। इसका जो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है जी, जी। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। ये मकर लग्न के जातक हैं। इनकी जो जन्म कुंडली है इसमें आंशिक काल सर्प योग निर्मित हो रहा है। ये वृश्चिक राशि की जातक हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में अपनी नीच की राशि में वृश्चिक राशि में एकादश स्थान पर विराजमान। सूर्य की पूर्ण दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ रही है और मकर लग्न के स्वामी होकर के शनि अपनी नीच की राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान है। जब भी कभी लग्नेश पीड़ित हो या अपनी नीच की राशि में विराजमान हो तो ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक बात कि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं। सूर्य की पूर्ण दृष्टि शनि के लग्न पर पड़ रही है, इसके प्रभाव के कारण भी इनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मैं इनको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ। इनको एक उपिल नाम का रत्न धारण कराइए। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र ग्रह को स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ और कारक माना जाता है। वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ मुझे दिख रही हैं इसके अनुसार 30 मई 2019 तक का जो समय है इनके लिए संघर्ष से भरा हुआ है। इनको कहिए हनुमान जी की नित्य नियमित आराधना करें ताकि शनि का किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव इनको ना मिले। अगली कॉलर कामिनी है, मेरठ से हमारे साथ जुड़ी है। क्या सवाल है कामिनी जी आपका? कामिनी जी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी मुझे विषय अपने बेटे के विषय में बात करनी है। जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, बेटे का डेट है 14 जुलाई 1995 जी। समय है 7:49 सुबह। सुबह स्थान क्या है जन्म का? स्थान है मेरठ जी। क्या जानना है आपको? हमें मुझे जानना है मैडम उनके की पढ़ाई पूरी हो गई है, 1 साल हो गया और नौकरी नहीं लगी अभी तक जी। पंडित जी से बीच में बात भी हुई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्हें मोती पहनाया है, वो मोती भी पहनाया है उन्हें जी। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक रत्न इनको पहनाया है। कर्क लग्न के जातक हैं और मकर राशि है इनकी और श्रवण नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। लग्नेश होकर के चंद्रमा लग्न स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इनको एक पुखराज नाम का रत्न भी धारण करा दीजिए। वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है। राहु इनकी जन्म कुंडली में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में चतुर्थ भाव में और राहु की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर जो कि इनके आजीविका का भाव है, रोजी रोजगार का भाव है, राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण इनकी आजीविका मिलने में इनको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, 15 अप्रैल 2019 तक की जो दशा अंतर दशा चल रही है ये थोड़ी उतार चढ़ाव से भरी हुई है, संघर्षों से युक्त है। इसके पश्चात इनकी आर्थिक स्थिति में, इनकी आजीविका में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा कि ये भगवान शिव जी की आराधना करें। शनि इनकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान पर वक्री होकर के मीन राशि में विराजमान है।
बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आजीविका इनको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली है। अगले कॉलर तेज प्रकाश हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सवाल है तेज प्रकाश जी आपका? तेज प्रकाश जी आवाज मिल रही है आपको? तेज प्रकाश जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है आपसे संपर्क नहीं हुआ, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िए। पंजाब से अगले कॉलर हनी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सवाल है आपका? हनी जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, जी क्या सवाल है आपका? अपनी कुंडली के बारे में पता करना था जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 1993 जी। एक बार फिर से दोहराइए। 1993 जी। आप अपनी पूरी जन्म तिथि विस्तार से बता दीजिए। हनी जी लगता है आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िए, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं आ पा रहे हैं। अगले कॉलर धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी क्या सवाल है आपका? हमको अपनी जन्म कुंडली के बारे में पता करना था। अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 1974 23 मई 1974 जी। समय सुबह 7 बजे, जिला उन्नाव, नवाबगंज। क्या जानना है? जन्म कुंडली कौन सी राशि वाली क्या है और क्या भाव? जी जी मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर बताना चाहता हूँ। आप मिथुन लग्न के जातक हैं, आपकी वृष राशि है, वर्तमान समय में शनि की महादशा चल रही है। लग्न स्थान पर आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति बन रही है। शुक्र आपकी जन्म पत्री में पंचमेश होकर के अपनी उच्च की राशि में दशम भाव में विराजमान है। शुक्र ग्रह रेवती नक्षत्र में विद्यमान है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में, धन की स्थिति में बहुत ही शुभ परिणाम आपको भविष्य में मिलने वाला है। शनि में शुक्र की जब दशा अंतर दशा आएगी, आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगी। 23 सितंबर 2021 से शनि में शुक्र की दशा अंतर दशा आपको मिलने वाली है। कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आपकी जन्मपत्री और भी शुभ परिणाम आपको दे। सबसे पहले हनुमान जी की आराधना आरंभ कर दीजिए, विशेष रूप से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करिए, क्योंकि शनि मंगल की युति का लग्न स्थान पर बनना ज्योतिषी दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जाता है। इससे आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी। ये उपाय करिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगली कॉलर लखनऊ से देवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सवाल है देवराज जी आपका? देवराज नाम मेरा जी, क्या सवाल है? मुझे क्रिकेट में शौक है, मैं क्या आगे का क्रिकेटर बन सकता हूँ? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म का समय और स्थान? देवराज आप टीवी सेट का वॉल्यूम सुन के जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें और फोन के माध्यम से हमसे जुड़े। एक बार फिर से हमसे जुड़िए, जो भी कॉलर हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि टीवी सेट के माध्यम से जुड़ने की कोशिश ना करें। अगली कॉलर सीमा है, आगरा से हमारे साथ जुड़ी है, क्या सवाल है सीमा जी आपका? हेलो जी सीमा जी, क्या सवाल है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 अक्टूबर 1984 है जी। मेरा टाइम 4:20 AM जी, धौलपुर जी। मुझे मेरी मैरिड लाइफ के बारे में जानना था जी, जी। अवश्य बताएंगे आपको। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। आप कन्या लग्न की जातक हैं और धनु राशि है आपकी, मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही आवश्यक है आपके वैवाहिक जीवन के लिए। जन्म कुंडली के अनुसार और चंद्र कुंडली के अनुसार दोनों ही प्रकार से आप पूर्ण रूपेण मांगलिक हैं। चंद्रमा बृहस्पति और मंगल की युति आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बन रही है। चंद्र मांगलिक भी हैं आप और लग्न मांगलिक भी हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर पड़ रही है। एक बहुत ही शुभ बात है इस कुंडली में कि बृहस्पति के साथ संयोग बन रहा है। यदि यहाँ बृहस्पति उपस्थित नहीं होते तो चरमतम कष्ट आपको वैवाहिक जीवन के संदर्भ में झेलना पड़ता।
एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही अनिवार्य है। सूर्य शनि का योग आपकी जन्म कुंडली में कुटुंब के स्थान पर बन रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपको भगवान शिव जी की आराधना नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। आप प्रतिदिन नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और जाप करते हुए उसके साथ ही साथ शिव जी का जलाभिषेक भी करें। कुछ उपाय और मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। आपको प्रत्येक शनिवार को सुंदर कांड का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव आपके ऊपर है। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि चंद्रमा बृहस्पति और मंगल का योग बन रहा है और मांगलिक होने का भी प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही अधिक है, इसके साथ ही साथ बजरंग बाण का भी नियमित रूप से आप पाठ करिए और एक पन्ना अवश्य धारण करिए। इससे बहुत ही शुभता आपको मिलेगी। अगली कॉलर मूल शंकर हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मूल शंकर जी, क्या सवाल है आपका? ऐसा है, मेरा जन्म तारीख है 2 जून 1950, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है जी। जन्म का समय और स्थान बताइए। जन्म का समय 11 से 11:30। सुबह का है या रात का है? अभी वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी क्योंकि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ अभी वक्त इस तरह का है कि परिवार में मेरा अपने लड़के और उसकी बीवी साथ में संबंध बहुत ही बिगड़ चुके हैं। मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ, उसके बावजूद भी घर में माहौल बहुत बुरा हो चुका है जी। मैं आपको आपकी जन्म पत्र के आधार पे कुटुंब का जो सुख है, परिवार का जो सुख है, उसके संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। आपकी जो जन्म कुंडली है, इसके अनुसार शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव आपके ऊपर है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक बात बताई है, मूल नक्षत्र में ही आपका जन्म हुआ है, लेकिन कुटुंब स्थान पर कुंज दोष बन रहा है, मंगल और केतु की स्थिति बन रही है और राहु की पौन दृष्टि पड़ रही है। वर्तमान समय में गोचर से भी मंगल और केतु की स्थिति बन रही है और राहु की पौन दृष्टि मंगल ग्रह पर पड़ रही है। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि 25 फरवरी 2019 तक का जो समय है, इस समय अवधि में बिल्कुल भी पारिवारिक संदर्भों में आपको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके बाद से आपकी कुंडली में शुभ परिणाम आपको मिलने लग जाएंगे। बहुत ही धैर्य के साथ एक बात को आप स्वीकार करिए कि शनि की साढ़े साती भी चल रही है। शनि को न्याय का देवता कहते हैं। जो भी कष्ट परमात्मा हमें ग्रहों के माध्यम से देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई शुभता होती है। आप भगवान शिव जी की आराधना करिए और दूसरी एक बात और करिए, बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करिए। इस समय अवधि के बाद से, 25 फरवरी के बाद से आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी होने लग जाएगा और स्पष्ट रूप से मार्ग प्रशस्त होने लग जाएगा जी। मूल शंकर जी, छोटे छोटे से उपाय बताए हैं आचार्य जी ने, करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आचार्य जी, हम चाहेंगे कि आज के शुभ उपाय बताइए। घर की चारों दिशाओं में साबूत नमक रख दे, चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। गणेश जी को गुड़ और धनिये का भोग लगाएं, गणेश जी की विशिष्ट कृपा होगी और बुध ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे। पान के 5 पत्तों पर ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र को लिख करके गणपति जी को अर्पित करें, गणेश जी की विशिष्ट कृपा मिलेगी। श्री राम रक्षा स्त्रोत का और राम अष्टकम का नियमित रूप से पाठ करें, हनुमान जी की, भगवान श्री राम जी की विशिष्ट कृपा आपको मिलेगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस चौपाई का पाठ करें, इससे हनुमान जी की विशिष्ट कृपा होगी और मंगल और शनि ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे।
तो जाने आपने छोटे छोटे से उपाय किस तरीके से मंगल और शनि ग्रह आपको शुभ उपाय दे सकते हैं। बस छोटे से उपाय आपको करने हैं। कुछ दर्शक ऐसे हैं जो समय का अभाव रहते हुए हमसे संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो विकल्प हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप सीधे आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। पहले हमारी मेल आई डी है phonelinekundli@gmail.com, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपकी कोई सवाल कोई समस्या है तो आप हमें मेल के जरिए भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब समस्याओं का समाधान आपको मेल के जरिए दिया जाएगा। आपको आचार्य धनंजय जी का नंबर भी हम बता रहे हैं 9565001891। एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं 9565001891। ये नंबर है आचार्य धनंजय जी का। आप जब चाहें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से मिलने का समय ले सकते हैं। आप इनसे मिलकर भी अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं और जब चाहें आप कॉल के माध्यम से भी आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। आचार्य जी आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।